नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अलाहाबाद के वेबसाइट पे एक नोटिस आई हुई है आपके RRB NTPC के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट हैं वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और तमाम जो स्टेट हैं वो और भी लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं और लगा रहे हैं। तो बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी कि सभी लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये हो गया है जो कि जिनका कि एग्ज़ाम नहीं हुआ है कि क्या लॉकडाउन की वजह से उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा या डिले होगा या तमाम तरह की चीज़ें कि RRC ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो डिले हो जाएगा। तो ये सभी तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखते हैं कि जो ये आपके जो नोटिस आए हैं वो यहाँ पे आपको देखेंगे कि इस नोटिस में क्या दे रखा है। देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेस्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। यहाँ पे देखिएगा जो डील है वो इस मंथ का चल रहा है, 299 में ये चीज़ें मिलती है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ERMANIS जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा ERMANIS, उसको अगर आप डालते हैं तो ये वाला चीज़ है 269 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना कितना आवश्यक होता है। तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेकआउट कर लीजिएगा। तो बात कर रहे थे इस नोटिस का कि इस नोटिस में क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा अभी यानी कि अभी 2 घंटा पहले आया है, 20/3/2021 इसका डेट दे रखा है। तो यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस कंडक्ट ऑफ CVT इन सिटी भोपाल, इंदौर, जबलपुर ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 21/3/2021 लॉकडाउन डे। यानी कि जो लॉकडाउन है इस दिन लॉकडाउन है और इसी दिन आपके इन तमाम सिटी में आपके जो मध्य प्रदेश के हैं उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही लॉकडाउन है, बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि 24,000 केस कल के आए हैं। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि फर्दर कुछ दिनों में आपके लॉकडाउन की जो स्थिति है बहुत सारे राज्यों में दिख सकती है। तो जिन लोगों का 5th फेज में एग्ज़ाम होना है उन सिटी में, तो क्या उनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगा? तो मैं आपको इस नोटिस के थ्रू ये अश्योर कर सकता हूँ, हालांकि ये जो नोटिस है सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है, लेकिन तमाम जो आपके स्टेट हैं उसमें भी यही कंडीशन लागू होती है। जैसा कि प्रीवियस कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि उड़ीसा में भी लॉकडाउन था, लेकिन वहाँ पर लॉकडाउन के बावजूद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए हैं, कितना भी लॉकडाउन लग जाए वो अलग बात है कि अगर ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलती है तो आपको खुद को व्यवस्था करना पड़ेगा, यानी कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके एग्जाम होंगे ये 100% श्योर है। इस नोटिस में क्या दे रखा है ये भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है द CVT 1 एग्जाम फॉर NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कैटेगरीज। यहाँ पे देखिएगा मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगेंस्ट CEN 01/2019 फॉर 5th फेज फ्रॉम 4/3/2021 to 27/3/2021 वाज ऑलरेडी शेड्यूल एंड पब्लिश बाई अदर बीज वाइड नोटिस डेटेड 23/2/2021। तो ये बता रहे हैं कि इतना इतना को एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि नोटिस में अपन लोगों ने पब्लिश कर दिया है। ये जो बोर्ड का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने आगे लिखा है कि एज पर ऑर्डर नंबर F3509/2020-2 C2 डेटेड 19/3/2021 इशूड बाई मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि 19 को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नोटिस फलाना नंबर का, आप देख सकते हैं जो नंबर है ऑर्डर नंबर, ये जारी किया है, जिसमें कि लॉकडाउन हैज़ बिन इम्पोज्ड इन भोपाल, इंदौर, जबलपुर ऑन डेट 21/3/2021 इन ऑर्डर टू कर्व प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ COVID-19 केसेज। यानी कि COVID-19 केस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया है 21 को, ये सेकंड पॉइंट है। इन टर्म ऑफ थर्ड पॉइंट की बात करें, इन टर्म्स ऑफ आइटम नंबर 2 द एवव लेटर ऑल प्री शेड्यूल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर प्लान्ड प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर नंबर ये 2 है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है 21 को लॉकडाउन, तो उसमें ये भी लिखा है कि जो आपका प्री शेड्यूल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किए जाएंगे एज यूजुअल, जो कि जैसा प्लान किया गया है वैसा ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो कहने का मतलब यह है स्टेट गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया है कि लॉकडाउन तो रहेंगे लेकिन जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए लॉकडाउन नहीं है।
ठीक है, तो बात करने का मतलब यही हुआ कि जब मध्य प्रदेश ऐसा कर सकता है, उड़ीसा सरकार ऐसी कर सकती है कि जिनको एग्ज़ाम देना है उसको बेनिफिट दे रहा है लॉकडाउन का, यानी कि उनके लिए लॉकडाउन नहीं है। तो तमाम तरह के जितने भी गवर्नमेंट हैं, चाहे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या जो भी गवर्नमेंट हो, वो भी आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करने से नहीं रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका NTPC का एग्ज़ाम है वो जब तक शेड्यूल किया गया है वो फाइनल होगा। तो इसका आप ये कह सकते हैं कि सर क्या 6th फेज का एग्ज़ाम डिले होगा? तो मुझे नहीं लगता है कि 6th फेज का एग्ज़ाम डिले होगा, क्योंकि जब लॉकडाउन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं तो लॉकडाउन लग भी जाएगा तब पर भी ये उस दिन को, जिस दिन लॉकडाउन रहेगा उस दिन भी ये शेड्यूल बना सकते हैं कि हम आपका 6th फेज का एग्ज़ाम लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। हाँ, 4th नंबर में हम देख लेते हैं क्या इन्होंने लिखा है। हैं CVT 1 एग्ज़ाम शेड्यूल ऑन 21 मार्च 2021 इन भोपाल, जबलपुर एंड इंदौर विल बी हेल्ड एज पर नोटिस डेटेड 23-2-2021। तो यानी कि 21 का वही है कि 21 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा इन सभी तमाम सिटी में। 5th पॉइंट में लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ई कॉल लेटर, वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड टू देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम वेन्यूज वेन्यू फॉर अटेंडिंग द CVT। मतलब कि वही सब तमाम चीज़ें जो कि आपको पता है, ई कॉल लेटर लाना है, वैलिड फोटोग्राफ ये वगैरह, और मास्क जरूर लेके जाना क्योंकि वो मास्क खोजेंगे, सैनिटाइजर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो खुद प्रोवाइड कर देंगे। अगला पॉइंट दे रखा है, कैंडिडेट्स शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल COVID-19 प्रोटोकॉल लाइक बियरिंग मास्क, यानी कि जो मैं कह रहा था वो यहाँ पे देखिएगा, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, यूजिंग हैंड सैनिटाइजर। हालांकि हैंड सैनिटाइजर मैं तो ले नहीं गया था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हाँ ये वाला प्रॉब्लम कर सकता है, आपको अलाउ नहीं करेंगे बिना मास्क के, ठीक है। अगला कैंडिडेट हेल्प डेस्क वगैरह ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम अंतिम स्टेज में है, यानी कि 5th फेज का जो शेड्यूल आ गई है, जिस दिन आपको एग्ज़ाम होनी है होगा ही, और 6th फेज का भी जल्दी आपके नोटिस 1-2 दिन में आपको दिख जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो एग्ज़ाम है 6th फेज का वो अप्रैल में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो 29 मार्च है उसमें आपका होली है, और होली के 1-2 दिन तक आप डिले करवा सकते हैं क्योंकि आदमी की ज़रूरत होती है, आदमी होली में व्यस्त रहता है। तो 1 अप्रैल या 2 अप्रैल से आपके 6th फेज के एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, तो 10 दिन अभी भी उससे आप जोड़ लीजिए तो 22-23 तक आपके मैक्सिमम उम्मीद है कि नोटिस आ जाए 6th फेज के, और 6th फेज में ही आपको शेड्यूल पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, यानी कि 6th फेज में कब होगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम आपके 6th फेज की बात करें तो अप्रैल मैक्सिमम घिस सकता है, और आपके आदर्शी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की हम बात करें तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अप्रैल के मिड में ही होगा, जैसा कि पेपर कटिंग में दे रखा था, तो ऐसा तो पॉसिबल दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अप्रैल के मिड में होता तो अब तक कुछ ना कुछ नोटिस आ गया होता, लेकिन अप्रैल के मिड में मुझे तो 100% श्योर है कि नहीं होगा, आपके जो मई के मिड में ही संभावनाएं दे रखी है, मतलब कि ये आप अनुमान लगा सकते हैं इतना वीडियो बनाने के बाद, तो इतना आपको मैं अश्योर कर ही सकता हूं कि जो आपका आदर्श ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आपके मई के मिड में ही संभावनाएं दिख रही है कि होगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि टेस्ट बुक आपके लिए लाया है यर्ली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिले तब तक के लिए धन्यवाद।